नंबर है 7428 गरीब की बीवी सबकी भाभी। पत्रकारिता कितने साल से करते हो? अरे आप लोग बंद करो अपनी। फिर डॉक्टर ने मित्तल ने कहा, हमें बहुत बेहद शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां मित्तल जैसे डॉक्टर खुले सांड की तरह आज़ाद है, वहीं डॉक्टर कफील जैसे गरीबों के मसीहा जिसको बर्खास्त करने के बाद बर्खास्त कर दिया गया, परेशान किया जाता रहा, जो गरीब बच्चों को बचाया उस डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया गया, बताओ क्या कसूर था? पुष्पा सेल ने अपना बकाया राशि नहीं देने के एवज में ऑक्सीजन बंद कर दिया, और ये चिट्ठी पुष्पा सेल के अधिकारियों ने डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे, को दिया। तब उस पर कार्रवाई होना चाहिए दोषी लोगों पर। चार चार समितियों ने डॉक्टर कफील की इंक्वायरी की, सफदरजंग अस्पताल की टीम गई थी, उत्तर प्रदेश के लोग गए थे, तो तमाम जो संस्थाएं थी सभी संस्थाओं ने जांच पड़ताल की थी। उसके बावजूद चूंकि वो ईमानदार था, वो मुसलमान था, इसलिए उसको फंसाकर बर्खास्त कर दिया गया। तो देश में ये नफरती चिंटू जो ये राष्ट्रीय जोकर हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये बैठ कर माइंड डाइवर्ट करने का काम करते हैं, माइंड को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ताकि लोग सरकार से सवाल ना पूछे महंगाई पर, बेरोजगारी पर, रोटी कपड़ा मकान पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर। और प्रदूषण अभी सबसे बड़ी समस्या है। आप लोग मीडिया के साथियों के दिमाग में, जहन में नहीं है, जितना कोरोना में लोग नहीं मरे, उतने प्रदूषण से लोग मर रहे। प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो रही। WHO की रिपोर्ट कहती है कि हर 5 में से एक बच्चा सांस संबंधी तकलीफों के कारण मौत हो रही है। हरियाणा में वो लग तो रहा है लॉकडाउन, कहाँ नहीं हो रही है? अरे लॉकडाउन लगाना समस्या का समाधान है? कहाँ से पत्रकारिता कितने साल से करते हो? अरे आप लोग बंद करो अपनी दुकानदारी भैया। आप सवाल पूछो सरकार से कि कारखानों से 30% पॉल्यूशन फैलता है, और उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अवैध पार्किंग और जाम की समस्या से 40% फैलता है। जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, जहां बालू मिट्टी का धूल जो हवा में फैलता है, उससे 17% होता है, और 4% किसानों के पराली से होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये 9 अगस्त को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में भाजपा के लोगों ने बयान दिया था, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। वही बात हो गई, गरीब की बीवी सबकी भाभी। लोग किसानों पर ठीकरा फोड़ते रहे कि किसान पराली जलाता है तो दिल्ली में प्रदूषण होता है, लेकिन ये ठीकरा नहीं फोड़े कि जो अमीर गाड़ियों में चलते हैं, जो अवैध पार्किंग, अवैध जाम की समस्या है, जिससे हमारे भारत की आने वाली पीढ़ी, क्या जम्मू कश्मीर, क्या बिहार, क्या बंगाल, और सबसे नंबर वन में तो उत्तर प्रदेश है, जिसको प्रधानमंत्री नंबर वन बनाते हैं, क्या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के चुनावों में प्रदूषण समस्या बनेगी? इस पर सवाल कोई नहीं पूछता। कितने लोगों को लंग के कैंसर और हृदय से संबंधित बीमारियां, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां प्रदूषण के कारण होती है, डायबिटीज जैसी बीमारियां होती है, इस पर चर्चा नहीं होती। चर्चा होती है अलूल जलूल बातों पर, उसने गोबर खा लिया, उसने महात्मा गांधी को ये कह दिया थप्पड़ खाने से आज़ादी नहीं मिलती, भीख मांगने से आज़ादी मिली है। अरे भैया, आज़ादी कल लाला लाजपत राय जी को श्रद्धांजलि दिया था, आज बटुकेश्वर दत्त जी को भी श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं, खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खां, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने, क्रांतिकारियों ने अपना खून पसीना बहाया था, फांसी के फंदे को चूमा था, तब जाकर देश को आज़ादी मिली थी। आज एक साजिश के तहत, षड्यंत्र प्रयोग के तहत अपने ही देश के लोगों का को गुमराह कर ये लोग सत्ता के हफ्सी दरिंदे लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर। अब कंगना रनावत ने महात्मा गांधी पे भी सवाल खड़ा कर दिया, कहा एक बार तो थप्पड़ मारने से आज़ादी। कंगना रनावत अपने पिताजी पर भी सवाल खड़ा कर सकती हैं, ये बबजेट हैं, ये अपने बाप से भी बड़े हैं। क्या आज़ादी के समय वो थी? उन्होंने कहा है 1947 में जो आज़ादी मिली वो कांग्रेस के कटोरे में भीख थी। उसको कांग्रेस फोबिया की नाम की बीमारी हो गई, उसको मोदियाबिंद है। कांग्रेस की स्थापना ही देश की आज़ादी के लिए हुआ, और
वैसे देश से हमारे भारत के क्रांतिवीरों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने ईंट पर ईंट बजाई, उनकी चूल्हे हिलाई, जो दो दो विश्व युद्ध का विजेता था। निसंदेह अगर हमारे देश के सूरवीरों ने अपने प्राण नहीं त्यागे होते, फांसी के फंदे को नहीं चूमा होता, जेल नहीं गए होते, अपना घर परिवार नहीं छोड़ा होता, अपना कैरियर नहीं छोड़ा होता, तो आज हम आज़ाद नहीं होते। आज शायद कंगना रानावत के भी माँ बाप और खुद भी गोरे अंग्रेजों के तलवे चाट रहे होते, सावरकर की तरह उनके चौका बर्तन कर रहे होते, उनके घर में झाड़ू पोछा कर रहे होते। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई बता दे 1947 में कौन सी लड़ाई हुई है तो मैं अपना पद, अपना जो पुरस्कार है वो वापस कर दूंगी। अगर आप लोगों के चैनल के माध्यम से कंगना रानावत और देश की किलर मीडिया अगर हमें कंगना रानावत के सामने बिठाने का प्रयास करे, तो मैं कंगना रानावत को बता दूं, हमारा नंबर है 7428410272931369689। आप समझिए 10 मई 1857 को मंगल पांडे जी के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह हुआ था। भारत के क्रांतिवीरों ने भारत छोड़ो आंदोलन मूवमेंट चलाया था। जब तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी और गोरे अंग्रेजों ने श्यामा प्रसाद ग्रुप से खुश होकर उनके लोगों को गार्ड की नौकरी दी। 1941 में बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग के फजाउल हक के साथ इन्होंने बंगाल प्रांत में सरकार बनाई थी। 1943 में गुलाम हुसैन अहदुल्लाह खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई थी। गोरे अंग्रेजों ने देखा कि ये वही भारत है जहां लोग आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार हैं, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल